Assalamualaikum guys, welcome to HK Gaming. How are you? Hope you all are good and I'm also fine. तो guys, सबसे पहला मेरा शेर सुने. जिंदगी जीने के लिए मिलती है आया. जिंदगी जीने के लिए मिलती है आया. मोहब्बत पीने के लिए मिलती है. Later. तो गाइस आज मैं आपके मेहमान से मिलवाने लगा हूँ जिसका नाम है यूसुफ. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एक चैलेंज करने जा रहे हैं वर्ड्स इन योर बॉक्स, और इसका तरीका आपको हारी समझाएगा. 2000 years later. तो गाइस ये चेयर है जिस पे हमने बैठना है, और ये हमारा बॉक्स. इसके अंदर हम चीज रखेंगे और दूसरा बंदा गेस करेगा. अच्छा दोस्तों, आपको नज़र आ चुका है कि ये एक चैटेड चीज़ है. अब देखते हैं कि हारिस इसको पहचान सकता है या नहीं. चलिए गाइस, अब हम हारिस को बुलाते हैं. हारिस आ जाओ. गाइस देखते हैं इसमें क्या है. तो सबसे पहले तो हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं. बस मुझे तो आसान लग रहा है. देख लेते हैं गाइस. अच्छा टू चांसेस है. मेल्ट चॉकलेट? नहीं, एक चांस रह गया. अब दोस्तों हम देखते हैं कि हारिस क्या कर पाता है. एक चांस तो उसने गवा दिया है अपना, अब एक चांस रह गया. बहुत शानदार से मरी. अच्छा ये चीज. यस तो गाइस मेरा फर्स्ट राउंड में मेरा 1 पॉइंट और अभी यूसुफ का 0. तब अगले राउंड में मिलते हैं आपसे. डब्बा जो है हमने सेट कर दिया है, और पहले राउंड में मैं लेके आ रहा हूँ अनियन. अब मैंने इसको कुछ इस तरह से, मैंने जैसा आधा जैसे ऐसे हुआ हुआ था, टूटा हुआ था, इसलिए मैंने रखा ताकि भैया को बताने में कन्फ्यूजन हो. तो अभी हम लोग इसके ऊपर दे देते हैं डब्बा, और अभी हम लोग भैया को बुलाते हैं. अभी हम बुलाते हैं भैया को. भैया आ जाओ. ओके भैया आ चुके. और ढक्कन हटा. क्या चीज है ये? एक इरिटेबल चीज है. अच्छा मतलब कि ठीक है. मेरे पास चांसेस होंगे? टू चांसेस. दो चांसेस आपने गलत पाए. ये मुझे लग रहा है एप्पल. खाया हुआ एप्पल? नो. एक चांस आपका मिस. आईफोन एप्पल. अच्छा मतलब ये फिर कटा हुआ नहीं है पहले से ही. ये प्याज. यस. अच्छा जी दोस्तों, अब हमारी अगली चीज है सैलेड. ये मेरे ख्याल से इसकी खुशबू से ही हारिस पहचान लेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हारिस के अंदर कितना टैलेंट है. तो इसी चीज के साथ हम शुरुआत करते हैं और हम हारिस को बुलाते हैं. तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ. अभी मुझे लग रहा है शायद इस बार यूसुफ ने कोई मुश्किल चीज रखी होगी. How's feeling, Haris? Itna nibhala. Socho, two chances hai. आपको नहीं पता लेकिन मुझे शायद ये वो एक सैंडल लग रही है जो हमने मेरे ख्याल रात को मंगवाई थी, वही है ना? हाँ. अच्छा गाइस, अब हारिस ने सैलेड बोल दिया, तो सैलेड का मतलब ये है कि सैलेड है. तो इसलिए आप जीत चुके हो ये राउंड. बदकिस्मती से रात को हमने सैलेड मंगाई थी तो मुझे लगा वही होगी, और क्योंकि वो और संग ही हमारे पास चीज नहीं पड़ी. तो अभी नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं. A few moments later. जैसा कि दो राउंड हो चुके हैं और दोनों को 1-1 पॉइंट मिल चुका है, तो अभी हम लोग अगला राउंड स्टार्ट करते हैं. अगले राउंड के लिए मैंने रखा है लेमन छोटा सा, और इसमें भैया को पक्का कन्फ्यूजन जरूर होगी. इसे आसान है ज्यादा. तो अभी हम लोग इसके ऊपर दे देते हैं ढक्कन, और अभी हम लोग बुलाते हैं यूसुफ भाई को. यहाँ पर जो है यूसुफ भाई आ चुका है, वो इधर बैठ चुका है. पैसे में ढक्कन उठाता हूँ. अच्छा अब क्या चीज है इसमें? अभी भी इरिटेबल चीज है. आपके पास दो चांस ही हैं. गैस चले अभी देखते हैं. ये चॉकलेट बॉल? नो.
चॉकलेट बोल तो नहीं, ये तो सॉफ्ट सी है। अच्छा अच्छा लेमन। हाँ तो यहाँ पर जो है यूसुफ भाई ने ये राउंड भी विन कर लिया है। चलें गाइस अब अगली चीज़ है सैनिटाइज़र, और अब हम देखते हैं कि हार्स इसको पहचान सकेगा या नहीं। तो अब इसी के साथ हम ये थर्ड राउंड शुरू करते हैं और हारिस को बुलाते हैं। चलें तो फिर अब हम हारिस को बुलाते हैं। हारिस आ जाओ। हारिस Guys, तो चलो अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट वाली चीज में क्या है। You have only two chances. Perfume? So be careful. No. मैंने ये चीज देखी तो लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता सच्ची में। चलो एक आपको मैं आसानी करता हूँ, इसलिए आप इस तरह हल्का सा हिला के चेक कर सकते हो, ज्यादा नहीं। अच्छा मतलब लोशन शैम्पू वगैरह ये होने सकते क्योंकि उनके लाने पर इस तरह की आवाज नहीं आती है, परफ्यूम ये है नहीं। कहते से आप लोगों को एक बार तो क्लियर होगी होगी कि इस आवाज का क्या मतलब है, कि कौन सी स्टेट हो सकती है। माली हार हिलता है मतलब क्या है, लाल लोशन ही कहता था मैं। लोशन? नो गलत, सैनिटाइजर। यार इतना सामने पड़ा हुआ था और आप देख सकते थे, लेकिन चलो आपको लग रहा होगा कि यूसुफ जब इसको पकड़ेगा तो उससे मतलब यूसुफ को बहुत आसान लगेगा कि ये क्या है, तो ना इसलिए मैंने ऐसे रखा है कि ना उसको इसका नाम पता ना पड़े। अभी ना हम लोग यूसुफ को बुलाते हैं। आ जाओ यूसुफ। भैया चाय रख रहे हैं। और चलो अभी भैया आप मुझे बताओ ये क्या है। हम ये बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ है। ऑब्जेक्ट ही है मतलब। हाँ ऑब्जेक्ट कह लो। अच्छा इस शेप की तो हमारे घर दो चीजें हैं, वो जो क्रिकेट बॉल का होता है इसमें बॉल्स होती हैं। सिंगल्स यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये पूरा मैच जो है यूसुफ विन कर चुका है। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया कि ये पूरा जो मैच है इसको यूसुफ ने विन कर लिया वर्सेस द बॉक्स वाले को। तो अभी के चाय पी रहे मोबाइल पे लगा हुआ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।